पलवल अनाज मंडी में भाजपा किसान मोर्चा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्रीपाल भाटी के साथ बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल मावई, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर बलदेव अलावलपुर और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं प्रदेश भाजपा किसान सेल अध्यक्ष भाटी ने कहा कि सरकार की नीति है कि प्रत्येक जिले में जरूरत के हिसाब से अनाज मंडियों के दायरे को बढ़ाया जाएगा और किसानों के विश्राम गृह में उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं भाटी ने पलवल अनाज मंडी में किसानों के लिए पेयजल सुविधा सहित अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया और संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मंडी में किसानों के उचित प्रबंध है जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या का कोई सामना ना करना पड़े। वहीं उन्होंने मंडी से गेहूं के उठान का जल्द से जल्द आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है और उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। उन्होंने किसानों के ऊपर बढ़ते हुए कर्ज से राहत दिलाने के लिए यूपी की तर्ज पर कर्जा माफ करने की भी संभावना जताई। जो मंडी के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ प्रॉपर किसान को और हमारे जो आड़त के भाई हैं उनको सभी को प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं और हमारे चेयरमैन साहब यहाँ प्रॉपर निगरानी में लगे हुए हैं। हमारे किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और वो दिक्कत आ भी नहीं रही है। मैंने अभी सभी ज़्यादातर किसानों से बात करी है, किसानों ने कहा है कि जी यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको टाइम पर पेमेंट मिल रही है और टाइम पर उनका उठाव हो रहा है। यही चीज़ें होती हैं मंडी में और वो सारी वहाँ पानी की व्यवस्था भी है, यहाँ सीवर अपनी पेयजल की होगी, अपनी टॉयलेट वगैरह की होगी, वो सारी सुविधाएं हैं मंडी में। ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिले उसकी तरफ है। सरकार लगी हुई है, उस पर ध्यान लगाया हुआ है कि आमदनी कैसे किसान को हम आमदनी के रूप में आगे बढ़ाते हुए उनको प्रॉफिटेबल भाव दिलाएँ, ऐसी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं और योजनाएँ बना रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि भाई खर्चा तो लगता है किसान का और खर्चा के साथ में किसान क्या करता है कि किसी ना किसी बैंक से कर्ज भी लेता है। अब वो जो कर्ज लेता है तो उसका ब्याज भी उसको देना पड़ता है तो लागत इनपुट उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मेरे हरियाणा का जो हमारे हरियाणा की सरकार है वो भी इस तरफ सोचेगी और जो किसानों ने अपनी फसल के लिए जो ब्याज ले रखा है उसको भी कोशिश करेंगे कि हम कैसे न कैसे करके उसको भी उसमें भी उसको हेल्प दी जाए। इस तरफ भी हमारी सरकार बढ़ रही है तो हो सकता है किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया जाए। हाँ, लगे हुए हैं, देखते हैं अभी कितना क्या हो सकता है, कोशिश में है